हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज बात करेंगे सिविल केस ट्रायल की कि कोर्ट में सिविल केस ट्रायल कैसे फाइल किया जाता है, कोर्ट में सिविल केस ट्रायल की पूरी प्रोसीडिंग कैसे चलती है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायल दो प्रकार के होते हैं, क्रिमिनल केस ट्रायल और सिविल केस ट्रायल। क्रिमिनल केस ट्रायल की वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिविल केस ट्रायल की कि सिविल केस ट्रायल कोर्ट में कैसे फाइल किया जाता है, सिविल केस ट्रायल की प्रोसीडिंग क्या होती है। जब दो पक्षकारों के बीच में प्रॉपर्टी संबंधित कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे जमीन संबंधित या फिर प्लॉट संबंधित या फिर रुपयों के लेन देन संबंधी कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि जब एक व्यक्ति के साथ कोई सिविल रॉन्ग होता है, तब वह व्यक्ति कोर्ट में सिविल केस फाइल करता है। सिविल केस फाइल करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में प्रोविजन दिए गए हैं, उनके अनुसार ही कोर्ट में सिविल केस फाइल किया जाता है। जिस व्यक्ति के साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, उसे कोर्ट में केस फाइल करने के लिए एक एडवोकेट नियुक्त करना पड़ता है, जो पूरे मामले की पैरवी करता है, यानी कि कोर्ट में उसकी तरफ से केस को झगड़ता है। कोर्ट में जो वाद पत्र दायर किया जाता है, यानी कि जब केस फाइल करते हैं, तब उसमें जो प्लेंट तैयार की जाती है, उस प्लेंट में ये बातें लिखना अनिवार्य है, जैसे कि उस न्यायालय का नाम जिस न्यायालय में वाद पत्र दायर किया जाना है, वादी का पूरा नाम, जो प्लेंटिफ है उसका पूरा नाम, उसका फादर नेम, उसका पूरा एड्रेस लिखना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी यानी कि जो डिफेंडेंट है, उसका नाम, उसके फादर का नेम और उसका पूरा एड्रेस लिखना अनिवार्य है। केस डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका पूरा विवरण करना अनिवार्य है। केस से संबंधित जो तथ्य हैं उनका विवरण करना अनिवार्य है। डिस्प्यूट कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन बातों का उल्लेख करना अनिवार्य है। जो प्लेंटिव है वो क्या रिलीफ चाहता है, उस रिलीफ का उस प्लेंट में विवरण करना अनिवार्य है। न्यायालय शुल्क यानी कि जो कोर्ट फीस है वो लगाना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह जो प्लेंटिफ है उसका प्लेंट पर साइन करवाना, अगर वो अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगाना अनिवार्य है। इस प्रकार प्लेंट तैयार हो जाती है। सीपीसी में दिए प्रोविजंस के अनुसार प्लेंट के साथ प्लेंटिफ का प्लेंट की सपोर्ट में एफिडेविट यानी कि प्लेंट के फेवर में शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है। यदि आपका विवाद, जो आपका डिस्प्यूट है, वो भूमि संबंधित है यानी कि जमीन संबंधित है या प्लाट संबंधित है, या फिर आपके प्लाट पर कोई जानबूझ के तोड़फोड़ कर रहा है या फिर कोई मकान का निर्माण कर रहा है, तब आप ऐसे में उस बात पत्र में ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इस प्रकार बात पत्र पूरी तरह से तैयार हो जाता है और आप बात पत्र को कोर्ट में फाइल कर देते हैं, यानी कि सिविल केस कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। अब माननीय न्यायालय देखता है कि यदि आपने सीपीसी में दिए प्रोविजंस के अनुसार प्लेंट में जो वाद पत्र दायर किया है उसकी सारी कंडीशंस पूरी की है, तो आपका केस दर्ज कर दिया जाता है, अन्यथा आपका केस खारिज कर दिया जाता है। सिविल केस दर्ज होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा जो प्रतिवादी है यानी कि जो डिफेंडेंट है, उसको नोटिस कर दिया जाता है, यानी कि उसे सम्मन कर दिया जाता है। सम्मन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरे केस का विवरण लिखा हुआ होता है। डिफेंडेंट को कहा जाता है कि आपके खिलाफ फलां फलां व्यक्ति ने फलां फलां केस किया है और आपको फलां फलां तारीख को मेरी कोर्ट में पेश होना है और अपना जवाब रखना है। अगर सम्मन की तामील होने के बाद जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वो कोर्ट में एक निश्चित तारीख को, जो तारीख तय की गई थी, उस तारीख को कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो कोर्ट द्वारा यानी कि माननीय न्यायालय द्वारा डिफेंडेंट को एक्स पार्टी कर दिया जाता है। ऐसे में यदि डिफेंडेंट के पास कोर्ट में अपीयर ना होने का कोई वैलिड रीज़न है, यानी कि जब उसे सम्मन की तामील हुई तब उसके घर में किसी की मृत्यु हो चुकी थी जिस कारण वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सका, या फिर उसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था इस कारण वो कोर्ट में निश्चित तारीख को अपीयर नहीं हो सका, या फिर उस पर
सही से सम्मन की तामील नहीं हुई, यानी कि ऐसा कोई वैलिड रीजन अगर माननीय न्यायालय में बता देता है जिससे माननीय न्यायालय को कोर्ट को लगे कि डिफेंडेंट जो है वो सही कह रहा है, तो न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी को कैंसिल कर दिया जाता है और प्रतिवादी को कोर्ट में केस में अपना पक्ष रखने का मौका दे दिया जाता है। सम्मन की तामील होने के बाद जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट द्वारा तय निश्चित तारीख को कोर्ट में एक एडवोकेट नियुक्त करके पेश होता है। अब प्लेंटिव द्वारा डिफेंडेंट को प्लेंट की कॉपी दे दी जाती है जिसके तहत वो अपना जवाब दावा कोर्ट में पेश करता है। डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी के जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को, अपने अपने केस से संबंधित इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा जाता है, जिन डॉक्यूमेंट्स पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को विश्वास हो जो उनके दावे को सिद्ध करते हों। अगर कोर्ट को लगे कि जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं वो केस से संबंधित नहीं है तो उन्हें रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगे कि वो डॉक्यूमेंट्स उनके केस से संबंधित हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के द्वारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, कोर्ट द्वारा उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह तय कर लिया जाता है कि इनके बीच में आखिर मुद्दा क्या है, यानी कि जो झगड़े का कारण है वो क्या है। इसे कोर्ट की लैंग्वेज में इश्यूज कहा जाता है, यानी कि इश्यूज फ्रेम कर लिए जाते हैं। दोनों पक्षों द्वारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद कोर्ट द्वारा यह तय कर लिया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच में डिस्प्यूट क्या है, उसे लिखित रूप में तय कर लिया जाता है, यानी कि प्लेंटिफ की प्लेंट और डिफेंडेंट के जवाब दावे को देखकर कोर्ट द्वारा असली झगड़े की वजह को नोट कर लिया जाता है। इसे कोर्ट लैंग्वेज में इश्यूज फ्रेम करना कहा जाता है। इसके बाद दोनों पक्ष यानी कि प्लेंटिफ का एडवोकेट प्लेंट में और डिफेंडेंट का एडवोकेट जवाब दावे में यदि कोई करेक्शन करना चाहता है, यानी कि कोई सुधार करना चाहता है, तो वो कर सकता है। इसके बाद कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को अपने अपने साक्ष्य व गवाह पेश करने के लिए कहा जाता है। दोनों गवाहों द्वारा अपने अपने गवाहों की एक लिस्ट तैयार करके, एक सूची तैयार करके कोर्ट में दी जाती है, जिनमें गवाहों के नाम पता लिखा हुआ होता है। कोर्ट द्वारा उन गवाहों को सम्मन जारी करके एक डेट फिक्स की जाती है गवाही के लिए। सबसे पहले जो गवाही का मौका है वो प्लेंटिव को दिया जाता है। प्लेंटिव का एडवोकेट एक एक करके अपने गवाहों की गवाही करवाता है, जिसके बाद डिफेंडेंट पक्ष का जो एडवोकेट है वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। प्लेंटिव पक्ष के गवाहों की गवाही खत्म हो जाने के बाद डिफेंडेंट पक्ष का एडवोकेट अपने गवाहों की गवाही करवाता है, जिनका क्रॉस एग्जामिनेशन प्लेंटिव पक्ष का एडवोकेट करता है। दोनों पक्षों के गवाहों द्वारा अपनी गवाही का जो शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है वही उनका चीफ एग्जामिनेशन होता है। प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट पक्ष के जो एडवोकेट साहब हैं उनके द्वारा जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है वो बाद पत्र यानी कि प्लेंट और प्लेंट के फेवर में दिए गए एफिडेविट और मामले से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उनके आधार पर ही क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। दोनों पक्षों की गवाहियाँ कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि जब दोनों पक्षों की गवाहियाँ हो जाती हैं, सारे गवाहों के बयान हो जाते हैं और कोई गवाह नहीं बचता, तब मामले को अंतिम सुनवाई के लिए यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए लगा दिया जाता है। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए जो डेट तय की जाती है उस डेट पर दोनों पक्षों के एडवोकेट साहब अपने अपने केस से संबंधित फाइनल आर्ग्यूमेंट करते हैं। माननीय न्यायाधीश दोनों पार्टियों के केस से संबंधित जो तर्क हैं उनको सुनते हुए व तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय ऑर्डर शीट पर लिखती है। जजमेंट के लिए एक अलग से डेट निर्धारित की जाती है, उस डेट पर दोनों पक्ष अपने अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। इसके बाद न्यायालय द्वारा तय तारीख को दोनों पक्षों को केस से संबंधित जजमेंट जो तय की गई है वो पढ़कर सुनाई जाती है। जिस पक्ष के हक में फैसला किया गया है उस पक्ष को
केस से संबंधित जो ऑर्डर हुआ है, जो आदेश हुआ है, उसकी प्रमाणित कॉपी दी जाती है जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होती है। अब न्यायालय के इस जजमेंट से, इस फैसले से जो पक्ष सहमत नहीं है वो अपील में जा सकता है। यह था सिविल केस फाइल करने से लेके जजमेंट तक का पूरा प्रोसेस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। ऐसी और कानूनी जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।